दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट. 25 नवंबर 2020 के लिए हमने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे यूट्यूब पे. पहले उनकी जो आपका जो रिजल्ट है वो रहा काफ़ी अच्छा रहा. HDFC बैंक में हमने बाय साइड के एक टारगेट प्राइस अचीव किया, शॉर्ट सेलिंग साइड का एक, तीनों टारगेट प्राइस अचीव किया. PVR में हमारा बाय साइड का एक टारगेट अचीव हुआ और मतलब बाय साइड की तीनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. देन बात करूँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. टेलीग्राम चैनल पे हमने दो कॉल्स प्रोवाइड की थी जिसमें से हमारा बाय साइड के दो और शॉर्ट सेलिंग साइड के तीनों टारगेट प्राइस अचीव हो गए थे राउट में. और हमारा जो सीमेंस था उसमें हमारे बाय साइड के दो और शॉर्ट सेलिंग साइड के दोनों टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए. मॉर्निंग में मैं टेलीग्राम चैनल पर दो कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ. तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये राउट का चार्ट खोल दिया. तो ये स्टॉक जो था गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ पे ये ओपन हुआ था और हमारी जो बाइंग प्राइस थी वो यहाँ पे थी. तो ये 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप. इसने हमारी बाइंग प्राइस के नीचे जो है होल्ड लिया था 1 मिनट का, 1 मिनट से ज़्यादा का ही लिया. फिर दोबारा जब ये बढ़ा तब आप इसे बाय करेंगे. तो आप अगर स्टॉक गैप अप ओपन हो तो आप क्या करेंगे, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस. मान लीजिए ये जो हमारा बाइंग का लेवल है और ये हमारा शॉर्ट सेलिंग का लेवल है. तो बाइंग और शॉर्ट सेलिंग लेवल के बीच में 1 मिनट का कहीं पर भी स्टॉक को होल्ड लेने देंगे. होल्ड कैसे लेगा, अप एंड डाउन करेगा. जैसे यहाँ पे आने के बाद इसने अप एंड डाउन किया होगा तो उसके बाद जब दोबारा लेवल ब्रेक होगा तब आप इसे बाय कर लेंगे और टारगेट पे बाहर आ जाएंगे. तो इजी है इसमें राउट में. आज ऐसा रहा हमारा, पहले गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद ये सब हुआ. तो देखिए आपको मैंने राउट पे समझा दिया कैसे हुआ. बाकी अगर जो मैंने लेवल्स बताए हैं वो कैसे कहाँ वर्क करेंगे आपको मैं अभी बता दूंगा, कैसे आपको बाय करना है, किस टाइम पे आपको शॉर्ट सेल करना है. और एक और चीज़, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं. बिलो 500, अबव देन 500 हर तरीके के स्टॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में. तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. बाकी की डिटेल्स हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे. तो चलिए हम बढ़ते हैं 26 नवंबर 2020 की कॉल्स की. और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. तो 26 नवंबर 2020 के लिए जो हमने लेवल्स प्रोवाइड किए हैं, पहला है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एज यूजुअल. बाय का जब लेवल ब्रेकआउट होगा तभी आप बाय करेंगे, यानी कि 1 जब हो जाएगा तब आप इसे 0.10 जब हो जाएगा तब आप इसे बाय कर लेंगे. स्टॉप लॉस रहेगा 1078, टारगेट रहेगा 1093, 1100 और 1110 का. तो ध्यान रखेंगे कि पहला टारगेट प्राइस हमेशा मैं छोटा रखता हूँ ताकि आप कोई भी अगर स्टॉक जो है वो मूवमेंट नहीं दे पाया और कम मूवमेंट दे पाया तो भी आपका एक टारगेट अचीव हो, इसलिए मैं पहला टारगेट प्राइस स्मॉल देता हूं. शॉर्ट सेलिंग प्राइस रहेगी आपकी 1075 की, स्टॉप लॉस रहेगा 1085 का और टारगेट रहेगा आपका 1070, 1060 और 1050 का. तो नेक्स्ट चीज़ है हमारा श्रीराम ट्रांसपोर्टेशन फाइनेंस. जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा. मॉर्निंग में दो स्टॉक्स में प्रोवाइड करूंगा और अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए. बाकी डिटेल हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे. तो आप बाय करके चलेंगे 1080 पे, स्टॉप लॉस सॉरी 1080 का जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा. एक्जैक्ट 1080 पे बाय नहीं करना है, 1080.10 पे जब यानी कि इससे जब ऊपर जाने लगे तब आप बाय करेंगे. सो स्टॉप लॉस आपका हिट कब आनेंगे, स्टॉप लॉस आप तब हिट मानेंगे जब आपका जो लेवल है 1070 से नीचे आने लगेगा, यानी कि 1069.90 तब अपना ऐसे मान के ट्रेड से बाहर आएंगे. टारगेट रहेगा 1085, 1095 और 1119.